what's our plan? Great. This world is ours. We're never gonna stop. We're gonna need all hands on deck for whatever's coming next. Are you ready? You say you're ready. Hold on, ready. Here we go again, huh? Streaming March 19th, only on Disney Plus. तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने दी फैल्कन एंड दी विंटर सोल्जर की सीरीज़ का न्यू टीवी स्पॉट ध्यान से देख लिया होगा। जैसे कि मैंने कहा था कि जितने भी टीवी स्पॉट आएंगे मैं उसे कवर करूंगा, जो कि मैंने किया, यानी कि वांडा विजन की सीरीज़ के टाइम पे भी किया था, इस टाइम भी किया हूँ। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, कभी कभार मैं मतलब टीवी स्पॉट नहीं डाल पाता हूँ YT पे, जैसे कि मैं बिजी होता हूँ कभी कभार, तो मैं इंस्टाग्राम पे डाल ही देता हूँ, तो वैसे मतलब आप लोगों को हेल्प हो जाएगी। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। और अब बात करते हैं, यानी कि आप में से मुझे बहुत लोग कल कमेंट करके मैसेज करके बोल रहे थे कि दी फैल्कन एंड दी विंटर सोल्जर की सीरीज़ हिंदी में डब हो गई है, यानी कि हिंदी में हमें देखने मिलेगी। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, ऑफिशियली उन लोगों ने कह दिया है, तो आप लोग मुझे क्यों पूछ रहे थे, यानी कि सब सामने ही था। तो आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे, मतलब मैं कुछ ऐसा बुरा नहीं कह रहा हूँ, मैं अच्छा ही कह रहा हूँ, यानी कि उन लोगों ने ऑफिशियली जब कह दिया था तो मेरे कहने से थोड़ी ना कुछ बदल जाएगा। उन लोगों ने ऑफिशियली मतलब ऑफिशियल अकाउंट से कहा है कि हिंदी में डब हो गया है, तमिल तेलुगू में भी आने वाला है, तो मतलब चारों लैंग्वेजेस में आएगा, आप लोग देख सकते हो हॉटस्टार VIP में। तो आप लोग भी देखना, मैं भी देखूंगा, मैं इस बार दोनों मतलब लैंग्वेज में देखूंगा। हिंदी का मन तो नहीं है मेरा, लेकिन फिर भी मैं देख लूंगा। कल जैसे कि मैंने कहा था कि मैं हिंदी में कुछ रीजंस की वजह से नहीं देखूंगा, और वो रीज़न ये है कि जो हिंदी डब हुआ है वो थोड़ा मुझे अलग लग रहा है, यानी कि पिछले बार के मुताबिक थोड़ा अलग लग रहा है, शायद घाई घाई में किया है इन लोगों ने, ऐसा मुझे लग रहा है। देखते हैं अभी पूरी सीरीज आएगी तो पता चलेगा। और इसी के साथ अब हम बात करते हैं ब्लैक विडो मूवी के बारे में। तो आप में से मुझे बहुत लोग पूछ रहे थे कि ब्लैक विडो मूवी का क्या होगा, यानी कि कुछ आता पता नहीं है, डिज्नी प्लस पे आएगी या फिर थिएटर्स में आएगी। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि रिसेंटली शेयर होल्डर्स का मीटिंग हुआ था डिज्नी के, तो वहाँ पे बॉब चैपिक ने मतलब कन्फर्म कर दिया कि ब्लैक विडो मूवी हमें देखने मिलेगी थिएटर्स में May 7 को, यानी कि जो रिलीज डेट थी वही रिलीज डेट है, कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं। अगर आगे चेंजेस हो गए तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन मेरे मुताबिक अभी तो चेंजेस नहीं होने चाहिए, लेकिन फिर भी कल क्या हो जाए, परसों क्या हो जाए, किसको नहीं पता है। तो वेट करते हैं, देखते हैं, और May 7 का ही वेट करते हैं, और क्या करते हैं। और अब बात करते हैं एडम वॉलक के बारे में। तो रिसेंटली एक रूमर चल रहा था, यानी कि कल रात को, कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी Vol. 3 के लिए कास्ट किया जा रहा है एडम वॉलक को, यानी कि एडम वॉलक के लिए एक एक्टर ढूंढा जा रहा है, ऐसा सब। तो उस रूमर को मतलब डिनाई कर दिया है जेम्स गन ने, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ, अकॉर्डिंग टू मी, आप लोग ध्यान से सुनो, अकॉर्डिंग टू मी, यानी कि मेरे मुताबिक एडम वॉलक हमें दिखाई देगा ही देगा गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी Vol. 3 में, या फिर उसके पहले भी कहीं भी हमें दिख सकता है, यानी कि थोड़े देर के लिए। तो देखते हैं क्या होता है, और आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को क्या लगता है कि एडम वॉलक के रोल में किसे मतलब ले सकते हो वो लोग, और आप लोगों को एडम वॉलक देखना है या नहीं देखना है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करो, और कोई न्यू बंदा है बंदी हो वो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करो। तो मैं मिलता हूँ वैसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन चैनल को शेयर करो। MCU मास्टर मालूम है ना, नहीं मालूम है तो सुन।